नमस्कार दोस्तों, जुगाड़ू गुरु जी में मैं अनिल हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लेके आए वीडियो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किट्स बैटरी कार के बारे में। और काफ़ी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, पहले भी आप देख चुके होंगे किट्स बैटरी बाइक बाइक का कार का, इसकी क्या क्या इश्यूज होते हैं, सारी चीज़ें, और म्यूजिक चिप कैसे सही कर सकते हैं उसका भी अभी लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अभी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमारे पास कार है और कार में कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, कुछ वायरिंग का इशू है कि गाड़ी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, गाड़ी की मतलब आगे पीछे नहीं हो रही है, इस टाइप के इश्यूज थे। काफ़ी लोगों के ये था कि गाड़ी वर्क कर रही है, म्यूजिक काम नहीं कर रहा है। तो म्यूजिक के लिए भी मैं बता दूंगा किस तरीके की चीज़ें करनी होंगी। आज हम पूरी गाड़ी की वायरिंग A to Z वायरिंग की बात करेंगे, कहीं आधी अधूरी वायरिंग की बात नहीं करेंगे, कंप्लीट वायरिंग की बात करेंगे। छोटे से छोटी वायरिंग से लेके बड़ी से बड़ी वायरिंग कैसे क्या होगी, कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ जाएगी, वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गाड़ी की वायरिंग आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम गाड़ी की वायरिंग गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी की वायरिंग हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो अभी हमने गाड़ी की पूरी वायरिंग अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वायरिंग कहां पर कैसे वायरिंग लगी होती है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो आप देख लीजिए। यहां पर ये तीन चार्जिंग के पॉइंट के वायर्स रहते हैं, पहला ऊपर रेड वायर होता है, बीच में ब्लैक वायर होता है, एक ग्रीन वायर होता है। इसमें से रेड और ग्रीन वायर पीसीबी पर जाते हैं और एक ब्लैक वायर भी पीसीबी पर जाता है और एक ब्लैक वायर आगे की तरफ जाता है। दो ब्लैक वायर अटैच्ड हैं यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे क्लियरली दिख रहा होगा, दो वायर ब्लैक पीच पॉइंट पर अटैच्ड हैं और यहाँ पर एक रेड वायर ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं इसके मेन पीसीबी की जो ये वाला जो वायर्स हैं इसको मैं बताता हूँ। जो येल्लो वायर है, ये येल्लो वायर आपका आगे की तरफ जा रहा है, जो मेन करंट भेज रहा है यहाँ से, जो पॉजिटिव वायर बैटरी का लगा हुआ है, इससे जो पॉजिटिव वायर आपका आगे जा रहा है। फिर इसके बाद जो रेड वायर दिख रहा है, वो एक रेड वायर वहाँ से पॉजिटिव वायर को यहाँ पर ला रहा है। ऑन करने के बाद गाड़ी जब ऑन हो जाती है तब पीसीबी ऑन करने के लिए ये वायर आ रहा है। उसके बाद जो रेड और ग्रीन वायर लगे हुए हैं ये चार्जिंग के हैं। उसके बाद जो ब्लैक वायर है वो भी चार्जिंग का ही है। उसके बाद जो ग्रीन वायर, ब्लू वायर और ब्राउन वायर है, ग्रीन और ब्लू बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए हैं आगे डैशबोर्ड में, जो हम पूरी वायरिंग में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ब्राउन वायर आपके पेडल शिफ्टर के लिए, जो पेडल से करंट लेके आता है, जिसमें पॉजिटिव करंट या नेगेटिव करंट दोनों करंट आते हैं। तो दोस्तों, बस यही सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से वायरिंग आपको आगे कैसे क्या करना है, पूरी निकाल के वायरिंग आपको दिखाते हैं, ईच एंड एवरी वायरिंग का पार्ट। बस ये जो बेसिक सा फंडा था वो मुझे आपको बताना था। यहाँ पे वायरिंग पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पिंस पे, तो पिंस पे कंफ्यूज नहीं हुई, पीसीबी पर भी मेंशन रहता है कि कौन सा वायर किस चीज का है। तो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वहां पर, व्हाट्सएप पे कमेंट वहां ग्रुप में भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं चैनल पर, वो हम आपके वीडियो में रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, फाइनली देखेंगे कि ये पीसीबी बोर्ड है, इसका वायरिंग जो ये 6 वोल्ट का है सेम 12 वोल्ट का एज इट इज रहेगा। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजों का डिफरेंस हो सकता है 12 वोल्ट और 6 वोल्ट की पीसीबी में। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हमारी पीसीबी चलते चलते बंद हो जाती है, तो उसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर अगर पीसीबी सर्किट को अगर एक तरीके से एनालाइज किया जाए, देखा जाए, तो पीसीबी सर्किट के अंदर होता क्या क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, छोटा सा रजिस्टर्स लगे रहते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये रजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये पूरा बोर्ड गाड़ी को मतलब वायरलेस चलाने के लिए बोर्ड है। अगर इस बोर्ड को हम हटा देंगे तो गाड़ी वायरलेस चलना बंद हो जाएगी। ये पूरा बोर्ड जो हमारा ट्रांसमीटर आता है वो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा ये पावर आईसी है इसकी, ठीक है, इसी तरीके से ये कंट्रोलर, ये ट्रांसफॉर्मर छोटा सा लगाया, रजिस्टर लगे हैं दो। ठीक है, मेन जो ख़राब होता है वो गाड़ी के अंदर क्या होता है, वो ये ख़राब हो जाते हैं, ये रिलेस होते हैं। देखिए, 250 वोल्ट से 26 वोल्ट की ये रिले है, ये दो सीधी दो उल्टी लगाई जाती हैं और एक्चुअली में ये रिले खराब हो जाती हैं, जिस वजह से गाड़ी हमारी काम करना बंद हो जाती है। ये एंटीना का वायर दिया हुआ है ब्लैक कलर का इसके साथ में। देखिए, एक यहाँ पर 8 पिन का सर्किट दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
देखिए 8 पिन का ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये VCC देखिए ग्राउंड, ये बैटरी के लिए दिया हुआ है। ये मोटर का बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए ये सर्किट, जो पावर करंट आता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से यहाँ से आता है। ये अपना आगे की जो फ्रंट मोटर लगी हुई है उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर सेम तरीके का 12 वोल्ट का आपको PCB मिलेगा। अब देखिए इशू क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ी बेहद आसानी हो जाएगी समझने के लिए। देखिए ये सर्किट में जैसे एज इट इज मैं इंस्टॉल करता हूँ पहले, ठीक है। अब इसके बाद आप वायर के हिसाब से समझिए। सबसे पहला येल्लो वायर लगा हुआ है, तो येल्लो वायर से क्या है, ये जो प्लस करंट है उस प्लस करंट को आप जो बैटरी से आ रहा है, देखिए ये प्लस करंट कहाँ से आ रहा है, प्लस करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होते हुए ये सब पूरा पावर IC से जा रहा है, और ये आ कहाँ से रहा है, ये बैटरी से आ रहा है। यहाँ से जो करंट आया है, यहाँ से हमने भेजा है इनके थ्रू, तो वो करंट ये गाड़ी के येल्लो वायर के थ्रू गाड़ी के डैशबोर्ड पर जाता है, और डैशबोर्ड के येल्लो वायर से ये गाड़ी के करंट में सप्लाई होता है। वो यहाँ पर देखिए आपको ये येल्लो वायर वो देखने को मिलेगा। फ्रंट की जो वायरिंग है वो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी मैशअप हो गई है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन एंड अच्छी वायरिंग बना देंगे, ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। ये येल्लो वायर जो आगे फ्रंट में जा रहा है ये गाड़ी के उसके लिए है, वहाँ पर जो गाड़ी में सप्लाई आप पॉजिटिव वायर से कंट्रोल भेज रहे हो उसके लिए है, ठीक है। सेकेंड वायर आप देखेंगे यहाँ पर जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है, दो रेड कलर के वायर लगे हुए हैं, एक रेड कलर का वायर है वो V है, और एक जो रेड कलर का वायर आप देख रहे होंगे CD है, ठीक है। दो रेड कलर के वायर किस लिए जा रहे हैं, एक रेड कलर का वायर जा रहा है आपकी रेड कलर का दो वायर है, एक वायर आपका जा रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड मोटर के लिए, और एक रेड कलर का जो वायर जा रहा है हमारा CD वाला कंट्रोलर वो रेड फॉरवर्ड के लिए जा रहा है, और V वाला जो हमारा रेड वायर जा रहा है वो आपकी सप्लाई के लिए जा रहा है, ठीक है। जो सप्लाई को बैक वहां से इस रेड वायर के थ्रू यहाँ पर बात करते हैं। देखिए चार्जर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से एक जो ग्रीन वायर जो ग्राउंड वाला हम बोल रहे हैं वो वायर चार्जर का, एक्चुअल में जो ग्रीन वाला हम वायर बोल रहे हैं वो चार्जर का है, वो यहाँ से ही गया हुआ है, यहाँ से ही वायरिंग में गया हुआ है, और जो ब्लैक कलर का वायर जो जा रहा है वो अंदर की वायरिंग में गया हुआ है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, एक इसमें तीन वायर कनेक्टेड है, एक रेड वायर कनेक्टेड है, एक रेड वायर कनेक्टेड है जो एक डायोड की हेल्प से लगा हुआ है, एक डायोड लगाया हुआ है और उसकी मदद से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद एक ब्लैक वायर है जो आगे की वायरिंग पे जा रहा है, उसके बाद जो ग्रीन वायर है वो जो PCB के अंदर जा रहा है। इस तरीके से चार्जिंग पिन पे तीन वायर कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही यहाँ से आप वायर चार्जर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से करंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्लैक वायर से ब्रेक कर देता है ऊपर से, तो ये ग्रीन और रेड वायर के थ्रू जो PCB में दोनों जो वायर जा रहे हैं रेड और ग्रीन देख रहे होंगे, ये रेड और ग्रीन दोनों वायर यहीं के हैं। एक रेड जो ग्राउंड वायर है, एक CD जो वापस से जो वायर आ रहा है पॉजिटिव का चार्जिंग का, चार्जिंग डॉक का है, CD मतलब चार्जिंग डॉक का, वो उस वायर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये वायरिंग है पूरी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, ये दो वायर जो छोटे से वायर हैं आगे की तरफ से आ रहे हैं, ये पीछे की बैकलाइट जलाने के लिए आ रहे हैं, तो पीछे की बैकलाइट जो ऑन होगी उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो ये वाला वायर है ये आगे की मोटर के लिए जा रहे हैं, ये मोटर पर पहुँच रहे हैं मोटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद और कोई वायर यहाँ से आगे से नहीं जाएगा, आगे से यही वायर जाएंगे। तो देखिए आगे जाके वायर कितने मिलते हैं, वायर डैशबोर्ड पे दो वायर तो ये मेन हो गए जो आपकी लाइट को ऑन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए एक ब्लैक वायर हो गया, जो ब्लैक वायर हमने यहाँ से पीछे से आ रहा था वो कनेक्ट कर दिया है, और उसके साथ में ये ब्लैक वायर एक यहाँ पर लगा हुआ है, ये छोटी सी पिन है वोल्टेज मीटर के लिए जो बताने के लिए लगाया गई है वो है। बाकी सारे रेड पॉजिटिव वायर्स हैं करंट भेजने के लिए, ये म्यूजिक कंट्रोलर चिप के लिए था वायर, और एक ऐसे ही ब्लैक वायर टूटा हुआ है वो भी म्यूजिक कंट्रोलर चिप के लिए ही है। बाकी और कोई कनेक्शन ऐसे खास है नहीं है यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब देखिए डैशबोर्ड को हम देखते हैं, अब देखिए डैशबोर्ड को समझिए। एक ये इसमें स्विच होता है, ये हमारा वोल्टेज मीटर होता है, ये हमारा पावर ऑन ऑफ मीटर होता है, ये गाड़ी की
लाइट्स को ऑन करने के लिए होता है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड भेजने के लिए होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए होता है, मैनुअल चलाना है कि उससे चलाना है। अब देखिए यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, मैनुअल कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक जो वायर ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का जो वायर है वो लगाया जाता है यहाँ पर नीचे की तरफ, और एक ब्लैक वायर लगा दिया जाता है। तो अब होता क्या है कि अगर जब ब्लैक वायर से यहाँ से एक पॉइंट ब्लैक वायर का यहाँ से आप लगाएंगे, देखिए ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये रहा ब्लैक वायर। तो ये जो जब ब्लैक वायर आप यहाँ से लगता है और ये इससे कनेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, अब ये ट्रांसमिशन कंट्रोल में चला जाता है। इसको लगाते ही ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑन हो जाता है और आपका पावर सप्लाई आप रिमोट से चलाना शुरू कर देते हैं। जब ये आप हटा देते हैं मतलब इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी हमारी मैनुअल चलना शुरू हो जाती है, और मैनुअल में होता क्या है कि जो पेटल के लिए दोनों वायर दिए हुए हैं जो नीचे की तरफ हैं, ये जो वायर ऊपर ही आ रहे हैं हमारे, वो वायर देखना पॉजिटिव, और ये इसके अंदर पॉजिटिव कंट्रोल भेजने लगता है। पॉजिटिव करंट जब जाता है तो पॉजिटिव कंट्रोल से हमारी गाड़ी की में पीछे करंट पॉजिटिव पहुंचता है, उससे हमारी गाड़ी इससे चलने लगती है, पेटल से चलने लगती है, मैनुअली चलने लगती है। तो ये इस तरीके का बस कंडीशनल इसमें चीज़ें हैं, और बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं जिसे आप समझें या फिर समझने की ज़रूरत है। बाकी सब सिंपल सी वायरिंग है और कोई खास वायरिंग इस गाड़ी के अंदर नहीं की जाती है। हम इस गाड़ी की वायरिंग और सिंपल बना देते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, फिर हम पूरी गाड़ी की वायरिंग सिंपल करके आपको समझाते हैं। तो देखिए फाइनली ये वायरिंग यहाँ से हमने निकाल ली है। ये जो एक केबल जो हमने डाली थी अलग से, वो एक केबल इस पेटल के लिए डाली है, वो अलग से हम निकाल देंगे। ये हमारा जो स्विच था वो इस केबल के लिए स्विच है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरी वायरिंग को हम यहाँ से इसके यहाँ से ले जाके पीछे ले जा सकते हैं। तो पीछे ले जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जिंग के वायर को डाल देंगे, फिर इसके बाद ये सॉकेट डाल देते हैं, फिर इसके बाद ये पीसीबी वायर डाल देंगे, और इसके बाद ये लाइट का वायर हम पीछे के निकाल देंगे। बाकी वायरिंग को स्क्रू से यहाँ पर हम टाई अप कर देंगे जिससे वायरिंग कहीं हिले ना इस तरीके से, और कोई दिक्कत ना आए भविष्य में, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, बाकी अब हम कनेक्ट करते हैं बाकी सारी चीज़ों को, लाइट्स वगैरह को एक बार फिर से वहाँ से निकाल के कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी माजरा हो गया है यहाँ पर। अभी हम सबसे पहले ऊपर का माजरा सेट करते हैं, देखिए अंदर आप देखेंगे यहाँ से दिख रहा होगा लाइट वगैरह का पूरा सारा चीज़ है, ठीक है। अब ये माजरा यहाँ पर जो है उसको हम सबसे पहले सलटाते हैं, देखिए ये डैशबोर्ड में सब इस तरफ की तरफ लगेगा, ऑन करने वाला और सारा एंड, और कुछ सिर्फ यहाँ पर म्यूजिक के वायर जाएंगे तो वो म्यूजिक के वायर हम इस तरफ कर देते हैं, बाकी ये वाला जो वायर है और जो ग्रीन वायर रहेगा वो साथ में रहेंगे, ये पेटल पर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसे सेट करना है। तो देखिए फाइनली ये आ गया है बोर्ड हमारे पास, डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि क्या करना है। तो अभी हम तो देखिए यहाँ पे पीछे की वायरिंग यहाँ आ गई है, पीछे की वायरिंग ये दिख रही है, ठीक है, इसका तो कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पर ये बैटरी लगा देंगे, ठीक है, और ये लाइट का पोर्ट कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से पीसीबी सर्किट कनेक्ट कर देंगे, पीसीबी बोर्ड के बाद इसको हम पीछे वाले वायर को यहाँ लगा देंगे, फिर इसके बाद ये मोटर का रेयर वायर लगा देंगे। बाकी अभी हम ये चार्जिंग के वायर आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं, तो ये पीछे का माजरा हो गया पूरा सेट।
ठीक है। अब हम करते हैं आगे का माजरा। देखिए यहाँ पर जो हमने एक रेड वायर छोड़ा है, उस रेड वायर को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम अपने म्यूजिक सिस्टम के वायर से। तो देखिए म्यूजिक सिस्टम के वायर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इससे जैसे ही गाड़ी ऑन होती है तो म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। वहीं से एक ये नेगेटिव वायर जो निकला है, जो एक नेगेटिव वायर आया हुआ है, उसमें से नेगेटिव वायर में से एक पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है। तो जो नेगेटिव वायर में से एक म्यूजिक का जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से कनेक्ट होगा। थोड़ा सा ये प्लास्टिक फंसा देंगे जिससे वायर शॉर्ट होने का कोई चांस ना रहे। यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो ये म्यूजिक भी चालू हो जाएगा। देखिए वायरिंग हो गई बिल्कुल इजी। अब सबसे पहले करना क्या है, इधर से जो एक नेगेटिव वायर निकला हुआ है उस नेगेटिव वायर को यहाँ लगा देना है, इससे गाड़ी की लाइट ऑन हो जाएगी। मतलब नेगेटिव वायर जो गाड़ी की इसमें रेड जलता है उसके लिए है। और ये जो वायर रहेगा बीच वाला, वो बीच में लगा देना है। इस सॉरी ये लाइट का है, तो उसको लाइट के सर्किट को लगा देना है। और इसमें से जो एक वायर निकलेगा लाइट के पॉजिटिव वायर में से, क्योंकि लाइट का जो पॉजिटिव वायर है वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे और नेगेटिव वायर को हम यहाँ लगा देंगे। और जो येलो वायर आया है गाड़ी से पीसीबी से, उसको हम यहाँ पर पहले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। वो भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये स्पीकर के तार हैं, ये वो सॉरी लाइट के कंट्रोल के, लाइट के आने वाले वायर हैं वो आने जाएंगे। और ये अब जो ग्रीन रेड और ये एक वायरिंग यहाँ से आया हुआ वायर, ये तीनों वायर देखिए तीनों वायर यहाँ जाएंगे। ग्रीन को हम नीचे लाएंगे और उसको आप बाद में चेक भी कर सकते हैं कि बैकवर्ड किधर हो रहा है फॉरवर्ड किधर हो रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और बीच में आपको रेड वाला वायर लगाना है। ठीक है, ये वायर होने के बाद जो मेन वायरिंग आपकी बचती है वो ही है हमारी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये ब्लैक वायर लगाना है बीच में और उसके बाद ये नीचे आपको लगाना है ब्राउन वायर। अब ये ट्रांसमिशन हो गया कनेक्ट, जैसे आप नीचे करेंगे तो ट्रांसमिशन से चालू हो जाएगी और आप ऊपर कर देंगे तो ये मैन्युअली चलने लगेगी। बाकी ये वाला जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हम कनेक्ट कर देंगे अपने म्यूजिक सिस्टम से।
अब ये लाइट का जो सॉकेट डीसी से आ रहा है, उस सॉकेट में हम क्या करेंगे, उस सॉकेट को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और इस सॉकेट को हम ले लेंगे बाहर, जिससे बाकी हम लाइट्स को कनेक्ट कर सकें। तो ये हो गई वायरिंग की फिटिंग, कोई इश्यू नहीं किसी भी तरीके का। अब हम वायरिंग का जब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद बचता है पेटल। तो पेटल में कुछ नहीं करना है, पेटल में सिर्फ दो जो वायर आए हुए हैं, उन दोनों वायर को, एक को ऊपर एक को नीचे, कनेक्ट कर दीजिए। और कनेक्ट करने के बाद हम पेटल को ये कनेक्शन लग गया। ये करने के बाद हम इसको डैशबोर्ड को कर देंगे पैक। डैशबोर्ड को पैक करने के लिए क्या करना है, ये जो वायरिंग है इसको, वायरिंग को, पूरे वायरिंग को निकालना है ऊपर की तरफ से, और डैशबोर्ड रहेगा नीचे की तरफ से। मेरे देखिए इस तरीके से हमें पैक कर देना है। इस तरीके से वायरिंग यहां से निकलती रहे, कोई इशू नहीं है। और इसको हम पैक कर देंगे अभी फाइनली। अभी इसको चला के देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि सही हमने एडअप किया है कि नहीं, तो उसको हम ऑन करके देखते। तो एक बार देख लीजिए, हम चार्जिंग का फिर से आपको दिखाते हैं, अगर थोड़ा क्लोजली देख रहे होंगे तो। चार्जिंग का सबसे ऊपर रेड वायर लगाना है डायोड के साथ, और डायोड में देखिए जो सिल्वर पार्ट होगा वो रेड वायर की तरफ लगेगा, और जो ब्लैक पार्ट होगा वो अपने पोर्ट पर लगेगा। बाकी बीच में ब्लैक वायर लगाना है और सबसे नीचे ग्रीन वायर लगाना है। ये जो ब्लैक वायर है एक पीसीबी पर जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है, और बाकी ये चार्जर हमारा लग के रेडी हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अब हम चार्ज गाड़ी को कर सकते। फाइनली कार ऑन हो गई है, ठीक है, वर्क कर रही है। देखिए वोल्टेज जो आ रहे हैं 5.20 आ रहे हैं, तो जिस वजह से देखिए यहाँ पर कार आवाज़ आ रही है, बट कार वर्क कर रही है। और हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, देखिए कार मूव कर रही है, बट वोल्टेज थोड़े से कमज़ोर हैं, कम है। तो कोई भी इशू है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। काफ़ी सिंपल सा, देखिए अभी मैंने ये चार्जिंग पे लगा रखा है डायरेक्टली, और ये चार्जिंग वायर हमारा लग चुका था, ठीक है। तो कोई भी अब इशू नहीं है इसके अंदर। तो आपको कोई भी समस्या है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है तो चार्जिंग करेंगे, बैटरी इसकी निकाल ली हमने ताकि चार्ज करके लगा देंगे। और कोई भी इशू हो तो आप मुझे फील फ्री कि कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।